दिन भर की सभी बड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो दोस्तों, अभी अभी चक्रवाती तूफान को लेकर आ रही है बड़ी खबर। चक्रवाती तूफान वायु गुजरात में मचा सकता है तबाही। स्कूल कॉलेज बंद और अफसरों की छुट्टियां की गई रद्द। ओडिशा में पिछले महीने फोनी तूफान से मची तबाही के बाद अब पश्चिम में गुजरात के तटीय इलाकों में ऐसे ही एक भयानक तूफान का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने गुरुवार को गुजरात के तटवर्ती इलाकों में चक्रवाती तूफान वायु आने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की माने तो अरब सागर में पैदा हुए चक्रवाती तूफान वायु महाराष्ट्र से उत्तर में गुजरात की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग द्वारा मंगलवार को जारी बुलेटिन के अनुसार वायु के 13 जून गुरुवार को गुजरात के तटीय इलाकों पोरबंदर और कच्छ क्षेत्र में पहुंचने की संभावना है। विभागों ने अगले 12 घंटे में चक्रवाती तूफान और अधिक गंभीर रूप धारण करने की संभावना जताई है। मौसम का पूर्वानुमान व्यक्त करने वाली स्काईमेट वेदर संस्थान ने भी वायु तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इसको लेकर राज्य व राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमों ने सभी तटवर्ती जिलों में इससे निपटने के लिए खाका तैयार कर लिया है। गुजरात के मुख्य सचिव जैन सिंह ने गांधीनगर में बताया कि भारतीय मौसम विभाग की जानकारी से पता चलता है कि चक्रवात गुरुवार सुबह 6 से 7 बजे के बीच वेरावल के पास दस्तक देने की संभावना है। वायुसेना की दक्षिण पश्चिमी कमान ने चक्रवाती तूफान से होने वाले नुकसान से निपटने की तैयारी पूरी कर ली है। गुजरात के सभी नोडल पॉइंट्स पर हल्के और मध्यम भारवाही हेलीकॉप्टरों को स्टैंड बाई पर रखा गया है। ये हेलीकॉप्टर राहत और बचाव कार्य के लिए जरूरी सभी उपकरणों से लैस है और इन हेलीकॉप्टरों को रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए आपदा में फंसे लोगों को बचाने के लिए भेजा जा सकता है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।